इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने जो है वो हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चार रोजा सरकारी दौरे पर बुलाकर उसको आला तरीन एजाजात जो है फौजी उससे नवाजेगी। ना हमें यह पता था कि यूएई की और सऊदी अरब की क्यादत मोदी को, जो पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का दुश्मन है, उसको बुला के अपने आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। यह सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर तो बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मुख्तसरन मैं इसको समाप्त करने की कोशिश करता हूं। और आज हमसे क्या तकाजे किए जा रहे हैं उसकी बात करना भी बहुत जरूरी है। हमने पिछले अपने वजूद में आने से लेके आज तक सऊदी अरब और उसकी क्यादत का हमेशा साथ दिया। जो उन्होंने कहा हमने माना, जो उनको सूट करता था हमने वो किया, लेकिन जब हम मुश्किल वक्त में फंसे तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो अब किसी बयान की जरूरत नहीं है। उसके साथ वही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, जिसको हमारे मुल्क के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ड्राइव करके ईवान सदर तक लेके आए थे, उन्होंने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने से इनकार किया जब वो सऊदी अरब के दौरे पर गए, जो कि पहले से तय था। एक बहुत लोअर लेवल के फौजी अफसर के साथ मुलाकात के बाद उनको वापस आना पड़ा। ये कुछ क्यों हो रहा है उसकी वाजे दो बातें मैं करना चाहता हूं। एक तो ये कि इसराइल को और उसके सबसे बड़े वाली वारिस अमेरिका को यह पता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए जब तक फलस्तीन की रियासत का क्याम अमल में नहीं आएगा, इसराइल को तस्लीम करने का तस्वर भी नामुमकिन है। और मुझे इस बात पर बहुत खुशी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनकैटेगोरिकल टर्म्स में यह कहा है, जिसको कंट्रडिक्ट नहीं किया जा सकता, कि मैं उसी पॉलिसी पर अमल पैरा हूं जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की थी, और उसको उन्होंने बिल्कुल वाजे तौर पे बयान भी कर दिया। मुझे इसकी बहुत खुशी है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं एज ए पाकिस्तानी कि उन्होंने उन तमाम खदशात और तमाम र्यूमर्स जो हैं उसको सेट असाइड कर दिया है अपने इस बयान के बाद। आई हैव नो रीजन कि मैं उनकी इस बात को ना मानूं। दूसरी तरफ हमने क्या नहीं किया सऊदी अरब के लिए, हमने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को साबका को भेजा वहां इत्तेहाद की जो फौजें हैं उसकी क्यादत के लिए, हमने उसकी सलामती को अपनी सलामती करार दिया, हमने कहा दुनिया की कोई भी ताकत जो सऊदी अरब पर हमला करेगी, चाहे मक्का हो, मदीना हो, चाहे काबा हो, तो हम उसका दिफा ऐसे करेंगे जैसे वो हमला हम पर हुआ है। लेकिन हमें उसके इंजाम के तौर पर, हमें उसके इनाम के तौर पर जो कुछ मिला है वो बयान करते हुए भी शर्म आती है। वो सब चीजें जो सऊदी अरब करता था या हमसे करवाता था अब खुद करने से गुरेजा है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, बहुत ही खौफनाक बातें हैं जो की जा सकती हैं, पूरी दुनिया में ये वीडियोज वायरल हैं, लेकिन मैं इशारा जरूर करता जाऊं कि वो जो कुछ हमने उनके कहने पर किया उन्होंने खुद उसको अंडू किया, और जो कुछ हमने उनके लिए किया उसके इनाम की बजाय हमें वो सजा दी जा रही है कि हमारे किनारों पर बैठा हुआ दुश्मन उसको नवाजा जा रहा है, उसकी उसको किस किस तरीके से उसकी मदद की जा रही है। इतनी इतनी बड़ी डील साइन की जा रही है भाई सऊदी अरेबिया एंड यूएई विद इंडिया, कि हमें समझ में नहीं आती कि हम कहां खड़े हैं। ठीक है, वो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा इस वक्त के मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते हैं। इनाम की बजाय सजा, ताल्लुकात किस नहज पर हैं? अनवर बेग साहब, पाकिस्तान सऊदी अरब के माबेन सिफारती ताल्लुकात हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फिर हमारे डिफेंस के मामलात हैं, थोड़ा सा पस मंजर के साथ तनाव अभी मौजूदा आप क्यों देख रहे हैं? क्या माजी में भी इस हद तक के तनाव रहे, क्यों रहे? देखिए जी, मैं ये समझता हूं कि जब से पाकिस्तान बना है 1947 से, हमें जो मसले बने हैं वो फाइनेंशियल रहे डे वन से। हमारे हालात कभी भी सही नहीं हुए और हम हमेशा पिछले 20-25 साल में तो हम देखते रहे, जब भी एक नई हुकूमत आई है हम या के पास जाते हैं या फिर हम जाते हैं सऊदी अरेबिया के पास या और हमारे दोस्त जैसे यूएई हैं या और किसी के पास। जब आप किसी से पैसे मांगेंगे और
फिर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, वो फिर आपसे डिमांड करेंगे। और ये आप मत भूलें कि पहले इनसे जो रूलर्स अब हैं जीसीसी के अंदर, ये एक यंग क्राउड है, इनका तजर्बा नहीं है गवर्नेंस का। पिछले जो थे इनके वालिद और इनके चाचा और इनके जो दूसरे लीडरशिप थी सऊदी अरेबिया की, वो बड़े विजनरी लोग थे। अब ये लोग 45 साल की अंडर एज हैं, ये सब तजर्बा है नहीं, प्रेशर्स बहुत हैं। आपको इन्होंने पैसे तो दे दिए, ये किस्सा कहानी यमन वॉर से शुरू हुआ है और वहां से ये हमारे साथ डिटोरिएट हो गए। जब नवाज शरीफ साहब ने ये इशू पार्लियामेंट में जाके वो ले गए और वहां से एक रिजेक्शन आया, राइटली और रॉन्गली। बट आप देखें, जब आप किसी से भीख मांगते हैं देन दे एक्सपेक्ट यू टू से यस टू एवरीथिंग, और जब आप नो बोलेंगे, नोइंग हमारे अरब मेंटेलिटी, वो एक मिनट के अंदर नाराज हो जाते हैं। और क्योंकि इनका तजर्बा नहीं था, इन पे और इंटरनेशनल प्रेशर्स बहुत पड़े, तो उन्होंने जनाब आपके साथ ये हशर किया है। मैं ये समझता हूँ कि इट्स टाइम इनफ कि पाकिस्तान को चाहिए कि ठीक है, अब उनसे आपने पैसे लिए, आप उनको लौटा भी रहे उनके डिमांड के ऊपर, बट खुदा रहा आप अपने टांगों पे खड़े होने की साल कुछ कोशिश करें। जब तक आप इकोनॉमिकली साउंड नहीं होंगे, आपके साथ ये हशर होता रहेगा। यानी कभी आप लोगों ने सोचा था कि यूएई पाकिस्तानी वीजा बैन कर देगा एम्प्लॉयमेंट का? वहां पे ऑलरेडी 15 लाख हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे। अनवर बेग साहब, अगर मैं मौजूदा सूरत हाल में आपको कहूँ कि सऊदी अरब और यूएई का पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर आप इस वक्त समझ रहे हैं, और ये प्रेशर कहाँ से लिया जा रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर क्यों बिल्डअप किया जा रहा है दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों बहुत करीब रहे हैं, ताल्लुकात बहुत गहरे और खास रहे हैं। देखें आयशा बख्श बीबी, ये मैंने जैसे आपको कहा, ये यमन वॉर से बात शुरू हुई और ये प्रॉब्लम्स हमारी पाइल अप होती गई। और अभी पीछे से जो खबरें वैसे जो आ रही है कि भाई हम इसराइल का प्रेशर हम पे पड़ रहा है थ्रू वेरियस सोर्सेस, क्योंकि यूएई ने रिकग्नाइज कर लिया है, हो सकता है कल को सऊदी अरेबिया करे, मोरक्को ने कर लिया है, बहरीन ने कर लिया है, अमेरिकन प्रेशर है। ये थोड़ी बहुत तो समझ अकल बूझ तो हमें भी है कि ये प्रेशर किस लिए है। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो करंट पीटीआई गवर्नमेंट है या इमरान खान साहब है, उनके बड़े सीरियस रिजर्वेशंस हैं इसराइल को रिकग्नाइज करने के। या ये करें ना कि ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाएं और वहां पे ऑफिशियली सब मुस्लिम कंट्रीज को अलाउ करें कि जिसने करना है अपने बायलैटरल इश्यूज देख के और कर ले, वो हो नहीं रहा। तो पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से ये आपको अभी इकोनॉमिकली चोक डाउन कर रहे हैं, और इसके अंदर डेफिनेटली इंडिया का भी बहुत मेजर रोल है इस इशू के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान का ये वीडियो होता है खत्म, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह से हलचल मची है, सऊदी अरेबिया और यूएई का जो रिस्पॉन्स मिला है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैसी को, उन्हें वहाँ जाकर पाकिस्तानियों के वीज़ा रीएक्टिवेट कराने थे, जो वर्क परमिट नहीं मिल रहे थे उन्हें फिर से चालू कराना था, उनको ऐसा कुछ भी वहाँ पर हासिल नहीं हुआ और वहाँ पर उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। वहाँ पर उन्होंने मौके पर चौका लगाने की कोशिश की और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ बातें कही। उन्होंने बोला किसान प्रोटेस्ट जो इंडिया में आपको पता है बेसिकली जो सिंधु बॉर्डर थोड़ी सी जगह में हो रहा है वहाँ पर स्पेशली पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, उनको लेकर उन्होंने बोला कि इन मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए मोदी और भारत पाकिस्तान पर तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये वही पाकिस्तान है जो अभी तक एक भी बार मानने को तैयार नहीं था कि भारत ने पाकिस्तान पर दो सर्जिकल स्ट्राइक की हैं, अब यही पाकिस्तान डर रहा है कि भारत पर तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका इतना घटिया दौरा वहाँ पर हुआ है, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर लोगों का मजाक उड़ाया और पाकिस्तानी मीडिया ने मान लिया है कि पाकिस्तान को अब दुनिया भिखारी के तौर पर ही समझती है और भिखारी ही समझती है। इस तरीके का इनकी
ऐसी तैसी हुई पड़ी है और ये लोग कुल मिलाकर अभी भी कुछ ना कुछ लेकर भारत को ब्लेम कर रहे हैं। आपने इन पत्रकारों को सुना, एक पत्रकार ने बताया कि अगर आपका रवैया दुनिया में भीख मांगने का रहेगा तो दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी, दुनिया आपको भिखारी ही समझेगी। आप अगर उससे कुछ बात करने जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर अगर आप पैसे मांगेंगे इनडायरेक्टली कुछ बात करने के बाद, तो आपको भिखारी ही समझा जाएगा, आपकी दुनिया में इज्जत नहीं होगी। यही हाल हुआ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी वहां तो गए थे अपने लोगों को काम दिलाने के लिए, वीज़ा एक्टिवेट कराने के लिए, और उसके बाद वहां पर धीरे से कुछ माल मांगने के लिए। आपको पता होगा पाकिस्तान से सऊदी अरब ने अपना पुराना लोन वापस लिया है जो कि उन्होंने चाइना से लोन लेकर लिया है। तो आप समझ सकते हैं सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ कितना रूड बिहेवियर कर रहा है, और बिहेवियर के पीछे की मेन वजह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, जिसे मुस्लिम उम्मा का चुम्मा चाहिए और वो अपने खलीफा तैयब एर्दोगान को और उनके देश को और मलेशिया को लेकर एक नया इस्लामी ग्रुप खड़ा करना चाहते हैं। आपको पता होगा इस्लामी ग्रुप अभी एक ही है, OIC, जिसके फाउंडिंग मेंबर और पावरफुल मेंबर हैं सऊदी अरब और UAE। उनके खिलाफ ये एक नया इस्लामी ग्रुप खड़ा करना चाहते हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया ने भी अब पाकिस्तान को ज़बरदस्त तरीके से उनकी बैंड बजाना शुरू कर दिया और उन्होंने बोला है कि आप कश्मीर को भारत का हिस्सा माने, इसराइल को एज अ कंट्री कंसीडर करें, नहीं तो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा और एक एक करके सारे पाकिस्तानी आपको पाकिस्तान ले जाने पड़ेंगे जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। तो समझ सकते हैं आप भारत की फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन डिप्लोमेसी कितने अच्छे से काम कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं खत्म, आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।